देखिए महाराज, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन जाती है। उनकी निंदा में भी कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा होती है, जो गुणी व्यक्ति होते हैं। जैसे हमारे श्रीमद् भागवत के टीकाकार होते हैं, टीकाकार यानी अब आप सब भागवत जी सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक का, एक एक श्लोक के हजारों मतलब है, एक एक वाक्य के हजारों मतलब है। मैं आपको एक मतलब बता रही हूं, मैंने आपको एक मतलब बताया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने भागवत जी पूरी सुन ली। वो कभी नहीं सुन सकते, आप जब जब उसे पढ़ेंगे तब तब कुछ ना कुछ नया मिलेगा, क्योंकि उसके एक एक वाक्य के हजारों मतलब है। तो ये जो हजारों मतलब निकालने वाले होते हैं ना, जो अपना अपना मत बताते हैं कि इस वाक्य का ये मतलब हो सकता है, उन्हें हम टीकाकार कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत के ऐसे कई टीकाकार हुए, उनमें से एक है श्री श्रीधर स्वामी जी। तो वो इस निंदा का मत बताते हैं कि निंदा भी स्तुति बन गई है। कैसे? पहली बात, अमंगल स्थान में रहते हैं तो अमंगल स्थान कैसे हुआ? देखिए, अमंगल जो चीजें होती है वो हम नहीं करते, है कि नहीं? कोई चीज हमें पता है इससे अमंगल होना है तो हम वो चीज नहीं करते, है कि नहीं? या जबरदस्ती जाकर उसे करते हैं, आप बताइए, करते हो कि नहीं? जोर से नहीं करते। लेकिन वो जो स्थान है वहां जाने से कोई रोक सकता है? बताइए, रोक सकते हैं आप? शमशान घाट जाने से रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। वो जीवन का सत्य है, उस स्थान पर हर किसी को जाना है। यानी महादेव जी महाकाल है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? रचना करना। सब अपने अपने कार्य कर, तीन देव क्यों माने गए हैं? तीन ही देव क्यों? और भी कितने देवी देवता है, पर इनका तीन कार्य है। ब्रह्मा जी रचना का कार्य करते हैं, जन्म देने का कार्य। विष्णु भगवान पालन का, जब तक हम संसार में हमें पालते पोसते हैं। और महादेव जी विनाश का कार्य करते हैं, मृत्यु का कार्य, महाकाल कहते हैं। तो उनका जो स्थान है वो अमंगल कैसे हुआ? वो सबसे बड़ा सत्य है, सबको स्थान पर जाना है। तो ये हो गई उनकी पहली स्तुति। दूसरी बात, कहते हैं भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, तो वो नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? आज वो हमारा अच्छा करते हैं भूत प्रेतों के साथ रहकर। राम जी, वे राजा हैं, 10 बजे के बाद उनके पट बंद हो जाते हैं। 10 बजे के बाद श्री राम के पट बंद हो जाते हैं। फिर वहां जाएंगे तो बाहर हनुमान जी गोटा लेकर बैठे हुए होते हैं। वो अपने प्रभु को किसी को परेशान करने नहीं देते। ठाकुर जी द्वारिका नगरी, वो भी राजा है, द्वारका के राजा है, उनके पट भी ज्यादा ज्यादा 12 बजे बंद हो जाते हैं। चलिए, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा के साथ रहते हैं। श्री कृष्ण थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते हैं तो हम उनको 12 बजे तक का समय देते हैं। वो 12 बजे तक अपने पट खुले रखते, 12 बजे के बाद वो भी अपने पट बंद करते हैं। भूत प्रेत 12, 12:30, 1 के बाद घूमना शुरू करते हैं। तो अगर महादेव जी उन्हें नहीं रखेंगे अपने पास तो वो हमारे साथ रहेंगे, उन्हें तो रहने के लिए स्थान चाहिए। तो वो हमारा अच्छा ही कर रहे हैं भूत प्रेतों को अपने पास रखकर। फिर कहा देवी देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, तो सही कहा। वो सिर्फ देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव है। तो महाराज, ज्ञानी जनों की निंदा भी उनकी स्तुति बन जाती है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।